तो किस किस का टिकट कंफर्म, प्रत्याशियों में बेचैनी है। इस बीच आपको बता दें कांग्रेस ने भी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। नोएडा से पंखुड़ी पाठक, देखिए 50 महिलाओं के नाम खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सामने रखे। जो नाम सामने आए, नोएडा से पंखुड़ी पाठक, उनको टिकट दिया गया है। महिला प्रत्याशी पर भरोसा जताया गया है। फरुखाबाद से सलमान खुर्शीद की पत्नी है, उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा एक अभिनेत्री हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। पत्रकार, महिला पत्रकारों को भी टिकट दिया गया है। आज ये भी खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसकी जानकारी भी दी। कुल मिलाकर के 50 महिलाओं का नाम। CAA NRC प्रोटेस्ट का चेहरा रही सदफ जफर को भी टिकट दिया गया है। तो 50 महिलाएं अपने वादे के मुताबिक कि 40% टिकट जो है महिलाओं को जाएंगे, आज पहली लिस्ट में उसकी झलक देखने को मिली। 25 प्रत्याशियों की सूची है जिसमें से 50 महिलाएं हैं। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आज जिलाध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें